नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। आज की इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉप 10 सैनिक स्कूल के बारे में। और मजेदार बात यह है कि जो सैनिक स्कूल का फॉर्म था उसकी डेट अब बढ़ गई है, फॉर्म डेट को बढ़ा दिया गया। ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है और हमारे जो पेरेंट्स हैं और खासकर जो छोटे छोटे शहरों से लोग हैं, है ना, उनको बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनको जानकारी नहीं है कि फॉर्म की डेट अभी बढ़ गई है, तो मैं लगातार इस पे बार बार रिपीटेडली वीडियोस बना रहा हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स को पता चले और सैनिक स्कूल का फॉर्म भरवा पाए। 5 नवंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, सही है। उसके बाद 7 नवंबर से लेकर के 10 नवंबर के बीच में करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगा। और जैसे ही करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगा, अगर आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ी हो गई, कोई दिक्कत हो गई है ना, खुदा ना खैर करे आपके फॉर्म में कोई हादसा हो जाए, तो आप 7 नवंबर से लेकर के 10 नवंबर के बीच में जो भी आपने गलतियां करी हैं, है ना, जो भी आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप उसको सुलझा सकते हो। और कहीं भी कोई दिक्कत आए तो आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे। और आज की इस नई वीडियो में टॉप 10 ऐसे सैनिक स्कूल की बात करूंगा जिसमें सबसे कम सीट्स है। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था, लोगों को बड़ा पसंद आया, बड़ा मजा आया। तो इस वीडियो में ऐसे टॉप 10 सैनिक स्कूल की बात करूंगा जिसमें बहुत ही कम सीट्स है, नंबर ऑफ सीट्स बहुत ही ज्यादा ही कम है ना। तो आगे चलते हैं और इसमें हमारे पास आता है सबसे पहला जो सैनिक स्कूल है, मणिपुर में है ये सैनिक स्कूल इम्फाल। 6th क्लास में यहाँ पे सिर्फ 55 सीट्स हैं, जबकि 9th क्लास में ऐसे बहुत सारे सैनिक स्कूल है जिसमें एक भी सीट नहीं है। तो हमारी इस लिस्ट में, टॉप 10 की लिस्ट में सबसे पहला सैनिक स्कूल कौन सा है? सैनिक स्कूल मणिपुर, है ना। सैनिक स्कूल जो है, जो कि आपका मणिपुर में है, जो मणिपुर के बच्चे हैं वो अप्लाई करते हैं सैनिक स्कूल इम्फाल में, ठीक है जी। इसके अलावा 9th क्लास की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश में सैनिक स्कूल सुजानपुर टीरा, जहां पे एक भी सीट नहीं है। 9th क्लास की बात करूं उड़ीसा में तो सैनिक स्कूल संबलपुर है, जहां पे एक भी सीट नहीं है। हरियाणा की बात करूं सैनिक स्कूल रेवाड़ी, जहां पे एक भी सीट नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर की बात करूं 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल नगरोटा, जहां पे एक भी सीट नहीं है। हरियाणा की बात करूं तो सैनिक स्कूल कुंजपुरा है, जहां पे एक भी सीट नहीं है, सही है। उत्तर प्रदेश की बात करूं 9th क्लास में सैनिक स्कूल मैनपुरी में, जहां पे एक भी सीट्स नहीं है। कर्नाटक की बात करूं तो वहां पे 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल कोडागु है, वहां पे भी एक भी सीट नहीं है, ठीक है। राजस्थान की बात करें सैनिक स्कूल झुंझुनू है, वहां पे भी एक भी सीट नहीं है। मणिपुर की बात करें तो सैनिक स्कूल इम्फाल, मणिपुर के बच्चों के लिए कौन सा सैनिक स्कूल है? सैनिक स्कूल इम्फाल, और यहां पे भी एक भी सीट नहीं है। आगे चलते हैं, अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहां पे है सैनिक स्कूल ईस्ट सियांग, ठीक है। तो जो अरुणाचल प्रदेश के बच्चे 9th क्लास के बच्चे वो कहां पे अप्लाई करते हैं? ईस्ट सियांग में। लेकिन दिक्कत क्या है? वहां पे भी एक भी सीट नहीं है। राजस्थान की बात करें सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ है 9th क्लास के बच्चों के लिए, और यहां पे भी 9th क्लास के लिए एक भी सीट नहीं है। बात करें अगर अरुणाचल प्रदेश की, सॉरी उड़ीसा की बात करें तो सैनिक स्कूल भुवनेश्वर आता है, और यहां पे भी 9th क्लास के लिए एक भी सीट नहीं है। कर्नाटक में जो दूसरा सैनिक स्कूल है सैनिक स्कूल बीजापुर, यहां पे भी 9th क्लास के लिए एक भी सीट्स नहीं है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो सैनिक स्कूल अमेठी, यहां पे भी 9th क्लास के लिए एक भी सीट नहीं है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो सैनिक स्कूल अंबिकापुर है, और यहां पे भी 9th क्लास के लिए एक भी सीट नहीं है, ठीक है। तो हमारी जो पहली लिस्ट थी, पहली लिस्ट में 9th क्लास के करीब करीब मैं आपको बता दूं 17 ऐसे सैनिक स्कूल है जहां पे 9th क्लास के बच्चों के लिए सीट्स नहीं है। तो आज की इस वीडियो बनाते हुए मुझे कहीं ना कहीं, मतलब इस वीडियो को मैं बनाना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी मैंने बनाया कि यार भले ही सीट्स नहीं है लेकिन जानकारी तो देनी ही पड़ेगी, लोगों को समझाना तो पड़ेगा ही, लोगों को तो बताना ही पड़ेगा। सच्चाई किसी से छुपा नहीं सकते ना हम। अब मान लीजिए कि मैं ये सच्चाई पेरेंट्स से छुपा लूं तो उसका क्या फायदा है? उसका नुकसान हमारे बच्चों को होगा, पेरेंट्स को होगा, है ना। और 2 महीने का क्रैश कोर्स हमारा शुरू हो रहा है 5 नवंबर से 9 जनवरी तक, है ना। तो आप लगातार 2 महीने प्रॉपर तैयारी कर सकते हो। आपके पास पूरा नवंबर का महीना है, आपके पास पूरा दिसंबर का महीना है, और आपके पास आधा जनवरी का महीना है। तो अप्रोक्सीमेटली 2 से 2.5 महीने का समय आपके पास है। मैं और आप मिलकर के सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ, और लड़कियों के लिए किट्टूर सैनिक स्कूल, इसकी हम तैयारी कर सकते हैं मिलकर के, है ना। बात सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की है। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये स्कूल आप लोग ऑफर्ड कर सकते हो। ये स्कूल सारे जिनके ऊपर मैं वीडियोस बनाता हूँ, ये आपके बजट में है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहां से डायरेक्ट ऑफिसर बनने का रास्ता है। अगर आप इसकी तैयारी करते हो तो आपके पास एनडीए का रास्ता खुल जाएगा, इंडियन आर्मी का रास्ता, मर्चेंट नेवी, है ना,
मर्चेंट नेवी का रास्ता खुल जाएगा, इंडियन एयरफोर्स का रास्ता खुल जाएगा, या आप किसी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस में आप ज्वाइन करना चाहते हैं, ये सारे रास्ते हमारे बच्चों के लिए खुल जाएंगे। बट शर्त यही है कि छोटी एज में तैयारी करवाना पड़ेगा। अब इस टॉप 10 के लिस्ट में दूसरे नंबर पे आता है हमारा, हरियाणा में है सैनी स्कूल रेवाड़ी, जहां पे सिक्स क्लास के लिए सिर्फ 60 सीटें हैं, है ना। जबकि पिछले साल सैनी स्कूल रेवाड़ी में अच्छी सीट्स थी, हरियाणा में हमेशा अच्छी सीट्स होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सिक्स क्लास के लिए, क्योंकि हरियाणा में दो सैनिक स्कूल हैं, एक सैनिक स्कूल कुंजपुरा भी है और सैनिक स्कूल रेवाड़ी है, तो सिक्स क्लास में पूरे ऑल ओवर इंडिया में सेकेंड नंबर पे सबसे कम सीट्स कहां पर है, सैनिक स्कूल रेवाड़ी, जो कि आपका हरियाणा में। नाइन्थ क्लास की बात करें तो उत्तर प्रदेश के लिए सैनिक स्कूल झांसी है, जहां पे सिर्फ 3 सीट्स हैं। अब सोचो, अब इसमें बच्चा क्या करेगा, स्कूल वाला क्या करेगा, कोचिंग वाला क्या करेगा, टीचर क्या करेगा, जब नाइन्थ क्लास में सीट्स ही नहीं है। बट अच्छी बात, पॉजिटिव चीजें हैं कि जो बच्चे नाइन्थ क्लास के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके पास, आपके पास राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए चांस है। एट द एंड तो आपको जाके एनडीए का ही पेपर देना है, तो आपको परेशान नहीं होना है। आपके पास राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का भी पेपर है, आपके पास सेंट्रल हिंदू स्कूल का भी पेपर है, आपके पास भोसला मिलिट्री स्कूल का भी तैयारी करने का समय है ना, तो आपको डरना नहीं है। देखो, जहां पे आप डर गए वहां आपकी कहानी खत्म हो जाएगी, बस ये याद रखना। जहां आप कॉम्पिटिशन से घबराए, जहां पे आप डरे वहां पे आपकी कहानी खत्म हो जाएगी। राज मिश्रा जी का मैसेज है, सर 11th क्लास में एडमिशन हो सकता है। देखिए, 11th क्लास में आपको गुरुकुल में एडमिशन मिलेगा, है ना। सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में डायरेक्ट 11th क्लास में एडमिशन नहीं होता है, मिलिट्री स्कूल में होता है, लेकिन बहुत ही रेयरेस्ट केस में होता है, रेयरेस्ट। तो आप उसको ना ही मान के चलो, 11th क्लास में गुरुकुल है आपके पास, 11th क्लास में आपके पास आर्मी पब्लिक स्कूल है, 11th क्लास के लिए सेंट्रल हिंदू स्कूल है, और 11th क्लास के लिए आपके पास कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला है ना। तो कुछ जबरदस्त और कुछ मजेदार स्कूल्स हैं जिसके लिए आप प्रॉपरली तैयारी कर सकते हैं। आगे चलते हैं और बात करते हैं सिक्स क्लास के लिए। तो इसके बाद आता है हमारे पास सिक्स क्लास के लिए उत्तराखंड में सैनिक स्कूल घोड़ा खाल है, जहां पे सिक्स क्लास के लिए सिर्फ 60 सीट्स है ना। तो सैनिक स्कूल उत्तराखंड है, जहां पे सैनिक स्कूल घोड़ा खाल है, जहां पे 60 सीट्स है। सैनिक स्कूल मिजोरम है, जो कि आपका सैनिक स्कूल मिजोरम के अंदर आता है, सैनिक स्कूल चिंगचिप, वहां पे भी 60 सीट्स हैं, ठीक है। हरियाणा में रेवाड़ी है, वहां पे भी 60 सीट्स हैं। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में भी 60 सीट्स हैं, सिक्स क्लास के लिए सैनिक स्कूल चिंगचिप में भी 60 सीट्स हैं। और बात करें सैनिक स्कूल नगरोटा की, तो यहाँ पे 65 सीट्स हैं, ठीक है जी। अगले लिस्ट में आता है हमारे पास नाइन्थ क्लास के लिए महाराष्ट्र में है सैनिक स्कूल चंद्रपुर। तो नाइन्थ क्लास में यहाँ पे सिर्फ 5 सीट हैं, सोचो सिर्फ 5 सीट हैं। तो अब महाराष्ट्र के हजारों बच्चे, लाखों बच्चे तैयारी करेंगे, तो आप सोच के देखो, क्या उन बच्चों में टैलेंट नहीं है, है ना, या क्या वो बच्चे कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्या वो कभी ऑफिसर नहीं बनेंगे? ऐसा नहीं है, ये बच्चे बढ़ेंगे और इनको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। सिर्फ यही है कि सैनिक स्कूल में सीट नहीं है, लेकिन आपके पास राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, आपके पास गुरुकुल है, आपके पास ओक ग्रोव स्कूल है, आपके पास कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला है। आगे चल के आपको एनडीए की तो तैयारी करनी है। एक बच्चे का मैसेज आया, सैनिक स्कूल के लिए फ्री सैंपल पेपर के लिए कैसे ऑर्डर करें, वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है ना, या आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे भी डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, 7419992928 पर कॉल करना है, और 5-6 दिन के अंदर हम आपको फ्री सैंपल पेपर भेज देंगे। चाहे आप सैनिक स्कूल का ले लो, मिलिट्री स्कूल है आपके पास, RIMC है, गुरुकुल है, ठीक है, आप ले सकते हो, आइडिया लो, तैयारी करवाओ, है ना। और आपके लिए हमने फ्री सैंपल पेपर कर दिए हैं, सैनिक स्कूल का फॉर्म फ्री कर दिया है, इसके अलावा वीकली ऑनलाइन टेस्ट हमने फ्री कर दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं, पंजाब में आता है हमारे पास सिक्स क्लास के लिए सैनिक स्कूल कपूरथला, जहां पे सिक्स क्लास के लिए सिर्फ 70 सीटें हैं। और वहीं अगर हम नाइन्थ क्लास की बात करें, है ना, तो नाइन्थ क्लास में आता है आंध्र प्रदेश में सैनिक स्कूल कालीकिरी है, जहां पे सिर्फ 10 सीटें हैं। तो सोचो कितनी, ये टॉप 10 लिस्ट है जहां पे बच्चे कम है, सीट्स कम है ना। और चाहे सीट्स ज्यादा हो चाहे कम हो, अप्लाई करने वाले बच्चे उतने ही होते हैं, है ना। हर स्टेट से हजारों लाखों बच्चे अप्लाई करते हैं। हर्षित जी का मैसेज है, यूपी सैनिक स्कूल की बुक के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, आप कॉल करो, मैं आपको 15 बुक्स का सेट प्रोवाइड करूंगा, और सबसे अच्छी बात यह कि मैं आपको इसके अंदर 40 सैंपल पेपर भी दूंगा।
ठीक है, आपको इसमें यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का सैंपल पेपर मिल जाएगा, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का सैंपल पेपर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप 7th क्लास के लिए यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ या 9th क्लास के लिए तैयारी कर सकते हैं। एक बच्चे का मैसेज आया हुआ, REMC देहरादून के फॉर्म की लास्ट डेट क्या है? फॉर्म की लास्ट डेट को बढ़ा दिया गया है और अभी आप आराम से REMC देहरादून का जो फॉर्म है वो आराम से, फॉर्म की जो लास्ट डेट है उसको बढ़ा दिया गया, तो आप REMC देहरादून की जो फॉर्म 10 नवंबर तक फॉर्म को भर सकते हैं। टाइम अच्छा खासा मिल रहा है, ज्यादा से ज्यादा फॉर्म भरो ताकि सीखने को मिले। एग्जाम सेंटर पे जाओगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा क्योंकि इस परीक्षा से आपको बार बार गुजरना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं सिर्फ एक बार पेपर देना है, या आपका एक बार आप सैनिक स्कूल से निकल गए नहीं हुआ तो आपको बार बार पेपर देना पड़ेगा। आज नहीं दोगे कल देना पड़ेगा, कल नहीं दोगे परसों देना पड़ेगा, इससे आप बच नहीं सकते। तो बेटर ये है कि जितना ज्यादा पेपर दोगे उतना ज्यादा मेच्योरिटी आएगी, उतना ज्यादा सीखने को मिलेगा, उतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड डेवलप होगा, है ना। सुषमा देवी जी का मैसेज है, सर 6th क्लास में सैनिक स्कूल की गर्ल्स, टोटल गर्ल्स के लिए सीट्स कितनी है? देखिए सभी सैनिक स्कूल में 10 सीटें फिक्स हो गई हैं, है ना, चाहे कोई भी सैनिक स्कूल है, चाहे वो यूपी में है, बिहार में है, गुजरात में है, राजस्थान में है, पंजाब में है, हरियाणा में है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, तो सुषमा जी बहुत बहुत शुक्रिया। हर सैनिक स्कूल में मिनिमम 10 सीटें फिक्स कर दिया है, सैनिक स्कूल में भी फिक्स हो गया है, मिलिट्री स्कूल में भी फिक्स हो गया है, और अब हमारे हॉस्टल में लड़कियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, बहुत ज्यादा तेजी से। जब से पेरेंट्स को पता चला है कि NDA का रास्ता खुल गया है लड़कियों के लिए, MNS में पहले से ही था, है ना, REMC में भी सीट फिक्स हो गई है, सैनिक स्कूल में, मिलिट्री स्कूल में, तो अब हॉस्टल में लगातार लड़कियों की संख्या बढ़ रही है, लगातार। आगे चलते हैं, बात करते हैं, हमारी इस लिस्ट में 4th नंबर पे आता है 6th क्लास के लिए नागालैंड में सैनिक स्कूल पुलुंगवा। तो सर नागालैंड में कितनी सीटें हैं? 70 सीटें हैं। जबकि 9th क्लास की बात करें तो इस लिस्ट में आता है केरला, जहां पे सैनिक स्कूल कोझाकोटम है और यहाँ पे टोटल जो सीट्स हैं वो सिर्फ 10 सीटें हैं। सही है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट। लखनऊ में 7th क्लास की कितनी सीट्स हैं? करीब करीब 65 सीट्स होती हैं। और ये शर्मा जी का मैसेज आया है, शशिकांत कुमार शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। प्रेमपाल जी का मैसेज, सैनिक स्कूल के फॉर्म में हिंदी भर दिया है, इंग्लिश भरना पड़ेगा क्या? देखिए 6th क्लास में आप किसी भी लैंग्वेज में पेपर दे सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी, ठीक है, मराठी, गुजराती, तमिल, मलयालम, वी हैव नंबर ऑफ लैंग्वेजेस, तो आप किसी भी लैंग्वेज में पेपर दे सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में, है ना। बाकी मेरी कोशिश यही रहेगी, मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप इंग्लिश में तैयारी करवाइए ताकि फ्यूचर में दिक्कत ना आए। अगर आप अभी हिंदी में पेपर दिलवाओगे, उर्दू में दिलवाओगे, मराठी में दिलवाओगे, बंगाली में, पंजाबी में, है ना, अभी आपको दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आपको बाद में दिक्कत आएगी जब आपका बच्चा स्कूल में चला जाएगा, हॉस्टल में चला जाएगा, है ना। और अगर आपका भी बच्चा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में पेपर क्लियर कर चुका है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करो, हम आपको 10 से 12 दिन का इंटरव्यू कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अगर आपका बच्चा REMC में सेलेक्ट हो जाता है तो इंटरव्यू की तैयारी हम फ्री में करवाएंगे, RMS में सेलेक्ट हो जाता है तो इंटरव्यू की तैयारी हम फ्री में करवाएंगे, ठीक है। आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी, छोटी छोटी चीजों की टेंशन छोड़ दो, सैंपल पेपर की टेंशन छोड़ दो, वो आपको फ्री मिल जाएगा, फॉर्म की टेंशन छोड़ दो, इंटरव्यू की तैयारी की टेंशन छोड़ दो, छोटी छोटी चीजें हमने सारी पकड़ ली है ना। हाँ, जहां पे आपको 1 साल की तैयारी करवानी है, 2 साल की तैयारी करवानी है, आपको हॉस्टल में भेजना है, उसके लिए हम तैयार है, उसके लिए आप आइए, पूरा सिस्टम हमने बनाया हुआ है। और इंडिया के टॉप, मैं आपको बता रहा हूँ, स्मार्टेस्ट, आपको पूरा एक स्मार्ट स्कूल मिलेगा, स्मार्ट स्कूल, है ना। गीता चौधरी जी का मैसेज है, गुड इवनिंग सर, क्या सैनिक स्कूल की डेट बढ़ गई है? बिल्कुल जी बढ़ गई है, और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है मैं आपको बता दूं, 5 नवंबर 2021 फॉर्म भरने की लास्ट डेट है ना। आप कॉल करके एक बार रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर के बारे में पता करो कि विनय सर ने वीडियो में बताया था, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर का क्या सिस्टम है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हॉस्टल में नहीं आ सकते हैं या बुक नहीं लेना चाहते हैं, घर पे बैठ करके रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं, तो इसके अंदर 4000 से भी ज्यादा रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिलेंगे, 40 से भी ज्यादा आपको सैंपल पेपर मिलेंगे, ठीक है। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, सेंट्रल हिंदू स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय, जितने भी मेन एग्जाम है इसके आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, वो भी सॉल्ट सैंपल पेपर, है ना। अच्छी बात क्या है
कि इसके अंदर आपको 15 बुक्स का सेट भी मिलेगा और आपको OMR शीट भी मिलेगी, क्योंकि हर आदमी 10, 20, 50 हजार रुपए लगा के तैयारी नहीं करवा सकता है ना, तो सबकी प्रॉब्लम अलग अलग है। तो अगर कोई रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर लेना चाहता है तो एक बार कॉल जरूर करो, है ना, पता करो क्या सिस्टम है। पांचवें नंबर पे आता है सिक्स्थ क्लास के लिए हिमाचल प्रदेश में सैनिक स्कूल सुजानपुर टीरा, है ना। तो सिक्स्थ क्लास के बच्चों के लिए यहाँ पे 73 सीट्स हैं, और अगर नाइन्थ क्लास के लिए बात करें महाराष्ट्र में तो सैनिक स्कूल सतारा है जहाँ पे टोटल 12 सीट्स हैं, है ना। टोटल कितनी सीट्स हैं आपके पास, 12 सीटें हैं। तो इस बार यही है कि नाइन्थ क्लास में सीट्स बहुत कम है यार, बहुत कम है, और क्या करें, सैनिक स्कूल वालों के हाथ में उनके लिए भी प्रॉब्लम है क्योंकि सीट्स लिमिटेड होती हैं। अब जैसे किसी बच्चे ने सिक्स्थ क्लास में एडमिशन ले लिया है, अब वो जब छोड़ के जाएगा तभी तो नाइन्थ क्लास में सीट खाली होगी, सोचो। नरेंद्र जी आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, ठीक है, और अगर आपकी बुक्स में मैथ्स की बायो की दो बुक्स आ गई तो वो चेंज हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आपका एक रुपया भी नहीं लगेगा, हम आपको बुक्स प्रोवाइड कर देंगे बिल्कुल। कई बार कोरियर वगैरह होता है उसमें एक आधा बुक्स आगे पीछे हो जाता है, ठीक है, वो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। एक फ्री सैंपल पेपर के अंदर OMR शीट दिया हुआ है, पीछे चेक करो, हमने पीछे हमने 3 OMR शीट फ्री डाला हुआ है, चेक करो, ठीक है, जो हमने पिछले 5 सालों के सॉल्ट सैंपल पेपर दिए हैं फ्री में, उसके अंदर भी हमने OMR शीट डाला है, ताकि जो आदमी मान लो फ्री सैंपल पेपर भी ले रहा है, ऐसा ना हो कि तैयारी तो करना चाहता है ना, पढ़ना तो चाहता है, वो आगे बढ़ना चाहता है, तो ऐसे बच्चे को भी OMR शीट जरूर मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हमारी अगली लिस्ट में है सिक्स्थ क्लास के लिए मध्य प्रदेश में सैनिक स्कूल रीवा, जहां पे सिक्स्थ क्लास के बच्चों के लिए 73 सीट्स हैं, और नाइन्थ की बात करें तो असम में सैनिक स्कूल गोलपारा, तो नाइन्थ क्लास के बच्चों के लिए यहाँ पे सिर्फ 12 सीटें हैं, सिर्फ 12। प्रेम पाल जी का मैसेज है, सर RIMC की तैयारी के लिए क्या करना पड़ेगा। देखो RIMC एक लंबी लड़ाई है ना, जब तक आप हॉस्टल में नहीं आओगे और कम से कम 1-2 साल की प्लानिंग नहीं करोगे हॉस्ट, देखो RIMC के लिए तो मिनिमम मैं कह रहा हूँ, मिनिमम कम से कम 2 साल की तैयारी करवाओ। अभी हमारा बच्चा अम्बाला से सिलेक्ट हुआ है, जसजोत सिंह, है ना, RIMC देहरादून में सिलेक्ट हुआ है, और RIMC देहरादून में उसको प्रताप हाउस मिला है, ठीक है। अम्बाला का बच्चा है, नारायणगढ़ का बच्चा है, और आपको पता है RIMC देहरादून में सिर्फ 1 सीट होती है, 1 सीट, तो हमारे पास भी RIMC का रिजल्ट बहुत ही मुश्किल से आता है, बहुत ही मुश्किल से, है ना। तो मैं आपको यही कहूंगा कि सिस्टमैटिकली आपको चलना पड़ेगा, जितना मर्जी आप मेरा वीडियो देख लो कोई फायदा नहीं होने वाला है अगर आप इन बातों को फॉलो नहीं करते तो, ठीक है ना। और आज मैंने एक ऐसा स्कूल बना दिया है जो कि एक आम आदमी, एक आम पेरेंट्स बड़े आराम से अपने बच्चे को 1-1.25 लाख रुपए में हॉस्टल में रख करके तैयारी करवा सकते हैं, है ना। तो ये मेरी एक कोशिश थी और मेरा ये सपना था, और फाइनली आज की डेट में करीब करीब 800 बच्चे हॉस्टल में रह करके तैयारी कर रहे हैं। अगली हम लोग सिक्स्थ क्लास की बात करें तो वेस्ट बंगाल में आता है सैनिक स्कूल पुरुलिया, जहाँ पे सिक्स्थ क्लास के लिए सिर्फ 73 सीट्स हैं, है ना, जो कि काफ़ी कम है, क्योंकि सिक्स्थ क्लास में 90-100 सीट्स तो बहुत कॉमन है। सुषमा देवी जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल नगरोटा का एग्जाम डेट क्या है। देखिए पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो सैनिक स्कूल का एग्जाम होता है वो सेम डेट को होता है, ठीक है। सैनिक स्कूल का पेपर आपका 9 जनवरी का है, यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का पेपर 16 जनवरी का है, लड़कियों के लिए किट्टूर सैनिक स्कूल का पेपर होता है वो आपका 22 जनवरी को है, है ना। तो 16 के बाद 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, तो वो आपका 23 जनवरी को है किट्टूर सैनिक स्कूल का पेपर, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं और सिक्स्थ क्लास में बात करते हैं गुजरात, गुजरात में है सैनिक स्कूल बालाचडी, जहाँ पे सिक्स्थ क्लास के बच्चों के लिए 75 सीट्स हैं, और नाइन्थ क्लास की बात करें तो सैनिक स्कूल कपूरथला, जो कि पंजाब के बच्चों के लिए सिर्फ 15 सीटें हैं। अब आप देख लो, चेक कर लो, अगर अगर आपके स्टेट में नाइन्थ क्लास में सीट्स नहीं है तो आप क्या करोगे, आपके आसपास के जो भी स्टेट है आप वहाँ के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है जी। तो तन्नू मलिक जी कपूरथला में नाइन्थ क्लास के लिए 15 सीट्स हैं, है ना, सिक्स्थ क्लास में तो अच्छी खासी सीट्स होती हैं, दिक्कत आती है नाइन्थ क्लास में।
वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और जिन लोगों ने अभी तक ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि ऐप के अंदर हर रोज हम सैंपल पेपर डाल रहे हैं, फ्री सैंपल पेपर, है ना। हमारा यही टारगेट है कि जो 90% लोग जो मान लो तैयारी नहीं करवा रहे हैं, बुक्स नहीं ले रहे हैं, है ना, तो उन लोगों के लिए भी हमने एक ऐसा सिस्टम बना दिया है कि उनका फॉर्म हम फ्री में भर दें, उनको वीकली ऑनलाइन टेस्ट दे दें, है ना। उनके लिए हमने ऐप फ्री कर दिया, ऐप के अंदर हर रोज हम लोग फ्री सैंपल पेपर की वीडियोस डाल रहे हैं, है ना। बाकी जो 5-10% लोग हैं जो बढ़ चढ़ के तैयारी करवाते हैं, बुक्स लेते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर लेते हैं, उनको सैल्यूट है भाई, क्योंकि तैयारी करवाओगे तभी सपने देखने का हक है, अदरवाइज आपको सपने देखने का हक नहीं है, सीधी सी बात है। चलिए, सिक्स क्लास में आता है कर्नाटक वाले बच्चों के लिए सैनिक स्कूल कोडागू, जहाँ पे 80 सीट्स हैं, और नाइन्थ क्लास के बच्चों के लिए बिहार में है सैनिक स्कूल नालंदा, जहाँ पे सिर्फ 16 सीटें हैं, ठीक है जी। तो ये आपको देखना है, 2 महीने का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है 5 नवंबर से 9 जनवरी तक, यानी आप करीब 2 से 2.5 महीना मस्त होकर के तैयारी कर सकते हैं। हनुमानंत नरवड़े जी का मैसेज, नमस्कार सर, मेरी लड़की जवाहर नवोदय विद्यालय में सेलेक्ट हो गई। सर आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और इसी तरीके से तैयारी करते रहिए, वीडियोस देखते रहिए, है ना। और मैं कह रहा हूँ, जवाहर नवोदय विद्यालय तो बहुत छोटी सी चीज़ है, आगे और आपको बड़ी बड़ी सक्सेस मिलेगी, और इसी तरीके से आप लगे रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा, और आप रेगुलर वीडियोस देखते हैं, आपके हमेशा कमेंट आता है, मुझे नाम बहुत अच्छे से याद है। किरण देवी जी का मैसेज है, आरएमएस का फॉर्म कब आएगा। देखिए दिवाली के बाद वेट कर रहे हैं, दिवाली के बाद आ सकता है। धर्मेंद्र कुमार जी का मैसेज, श्रीमान जी हमने सैनिक स्कूल का फॉर्म भरते समय सैनिक स्कूल घोड़ाखाल सेलेक्ट कर दिया है, जबकि हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, अब हमें उत्तर प्रदेश में मैनपुरी सैनिक स्कूल चुना है, क्या ये आप करेक्शन करवा सकते हो जी। 7 नवंबर से लेकर के 10 नवंबर के बीच में, ठीक है, आप करेक्शन विंडो ओपन होगा, आप कंप्लेंट करो, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, हम आपकी मदद करेंगे, हम आपका करेक्ट करवाएंगे। आप बताओ तो सही क्या दिक्कत आ रही है, अपना लॉगिन आईडी दो, पासवर्ड दो, हम आपके बच्चे का डाटा अपलोड करेंगे, ठीक करेंगे। चलिए जी आगे चलते हैं, और नेक्स्ट आता है हमारे पास बिहार में है सैनिक स्कूल गोपालगंज, जहाँ पे बिहार के बच्चों के लिए सिर्फ 80 सीटें हैं, है ना। तो मेरा कोई भी बच्चा अगर अभी बिहार से वीडियो देख रहा है, सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में, फोर्थ क्लास में, तो बिहार में भी, चलिए जी आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आगे देखते हैं। क्लास सिक्स की अगर हम लोग बात करें तो महाराष्ट्र में है सैनिक स्कूल सतारा, ठीक है, इसमें टोटल जो 83 सीट्स हैं, और नाइन्थ क्लास की बात करें तमिलनाडु में है सैनिक स्कूल अमरावती नगर, ठीक है जी, जहाँ पे नाइन्थ क्लास के बच्चों के लिए सिर्फ और सिर्फ 18 सीटें हैं, सिर्फ 18 सीटें। शहनाज बानो जी का मैसेज, सर फीस क्या है। देखिए अगर आप दो महीने का क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हैं तो करीब करीब 34,999 रुपये का खर्चा है। 2 महीने आपका बच्चा अंबाला में हॉस्टल में रह करके तैयारी कर सकता है, और सबसे अच्छी बात क्या है कि आपका बच्चा अंबाला में ही रहेगा, अंबाला में ही तैयारी करेगा, अंबाला में ही उसका फॉर्म भर देंगे, और एग्जाम सेंटर भी आपको अंबाला में ही मिल जाएगा, सही है। शैलेश यादव जी, आपको सिर्फ एक ही सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई करना है, ठीक है, हाँ, लेकिन अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आप यूपी के लिए 2 सैनिक स्कूल से अप्लाई कर सकते हैं, 6th क्लास के लिए ऑल इंडिया सैनिक स्कूल, और 7th क्लास के लिए यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ से अप्लाई कर सकते हैं, अगर कोई यूपी से वीडियो देख रहा है तो। बाकी आपको सिर्फ एक ही सैनिक स्कूल से अप्लाई करना है, 6th क्लास और 9th क्लास के लिए, ठीक है जी। दीपेश जी का मैसेज, सर सैनिक स्कूल के लिए मिनिमम कितने डेज की तैयारी चाहिए। देखिए 1 साल का तो कोर्स है ही है, मिनिमम अगर आप 1 साल तैयारी करवा रहे हो तो बहुत अच्छा होता है, बाकी प्रैक्टिस के ऊपर होता है ना। बाकी अगर आप 1 साल से कम की तैयारी करवा रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि आप टुक्का मार रहे हो, ट्राई कर रहे हो, है ना, ट्राई करके देख रहे हो, तुक्का मार रहे हो, तो वो एक अलग बात है। बाकी मिनिमम 1 साल का कोर्स है, कम से कम एक बार आपको ढंग से प्रॉपर 1 साल तो तैयारी करवानी ही चाहिए।
आफताब अहमद जी का मैसेज है, प्रणाम सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी, नमस्कार जी, प्रणाम जी। आफताब जी, यूपी सैनिक स्कूल में डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है क्या? देखिए, डॉक्यूमेंट्स पहले नहीं सबमिट करना पड़ता, सबसे अच्छी बात यही है कि जो यूपी वाले बच्चे हैं, जो यूपी वाले पेरेंट्स हैं, उनको फायदा हो गया है कि आप यूपी सैनिक स्कूल का फॉर्म अभी भर लो। फॉर्म निकला हुआ है, ठीक है, 15 नवंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, ठीक है। बाकी अभी डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, कल को जब आपका बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा, जब मेडिकल होगा, जब इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट्स तब चाहिए होगा, तो तब आप डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेना, सिंपल। चलिए आगे चलते हैं। तो आफताब अहमद जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। और आप लोग कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉइड ऐप जरूर इंस्टॉल कर लो, ठीक है जी। रूप सिंह जी, बिल्कुल जी, आप गुड़िया का आरआईएमसी देहरादून के लिए फॉर्म भर सकते हैं, लड़कियों के लिए सैनिक स्कूल में भी आ गया है, मिलिट्री स्कूल, सभी सभी स्कूल्स में अब लड़कियों का कंपलसरी हो गया है, एनडीए में भी हो गया है, ठीक है। रेखा रावत जी का मैसेज है, सर सिक्स मंथ्स के लिए फीस क्या होगी? सिक्स मंथ्स के लिए फीस क्या होगी, सिक्स मंथ्स के लिए फीस क्या होगी, अगर मैं अभी आपको बताऊं तो नवंबर से लेकर के मार्च तक आपको टोटल जो खर्चा आता है वो करीब करीब 65,000 रुपये का खर्चा आता है, ठीक है, नवंबर से लेकर के मार्च तक। बाकी आप एक बार कॉल करो, फीस फास के बारे में जानकारी ऑफलाइन करना है कि ऑनलाइन करना है, ठीक है, कि आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर लेने हैं। कुणाल कौशिक जी का मैसेज आ चुका है, दिल्ली डोमिसाइल कैंडिडेट के लिए ऑप्शन। देखिए, दिल्ली वाले किसी भी सैनिक स्कूल से अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी सैनिक स्कूल से, क्योंकि दिल्ली में कोई सैनिक स्कूल तो है नहीं, है ना। आप यूपी से फॉर्म भरो, बिहार से फॉर्म भरो, कहीं से भी फॉर्म भरो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, भैया वो 33% कोटा ही मिलना है ना। आप कोई ऐसा स्टेट पकड़ लो जहाँ पे ज़्यादा सीट्स हैं, और दिल्ली के आसपास कोई स्टेट देख लो, है ना, चाहे आप कुंजपुरा में अप्लाई करो, कोई भी आसपास, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के आसपास जो भी स्टेट है, यूपी में देख लो, जहां पे भी आपको ठीक लगता है, और एक बार कॉल कर लो, डिटेल में आपको जानकारी मिल जाएगी, सही है। तो हमारे पास, हमारी लिस्ट में 8वें नंबर पे आता है, हरियाणा में सैनिक स्कूल कुंजपुरा, जहां पे 6th क्लास के लिए टोटल 83 सीट्स हैं, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। आफताब अहमद जी का बड़ा ही प्यारा मैसेज आया, थैंक यू सो मच सर, आप बहुत हेल्पफुल मैन है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू सो मच। कोशिश यही है कि भाई आप लोग, मैंने कहा ना कि मेरी ज़िंदगी का एक एक समय और एक एक पैसा मैं सिर्फ एजुकेशन पे लगाऊंगा, ये मेरा वादा है। और मैं आपको बता दूं कि मैं 2015 से लगातार वीडियोस बना रहा हूँ, हर रोज़ रात को 9 से 10 लाइव आता हूँ, है ना। और मैंने जो अपना काम धंधा शुरू किया वो 2014 से स्टार्ट किया है, और मैं आपको बता दूं कि तब से लेकर के आज तक मेरा टारगेट क्या है कि मैं अपना एक एक समय और एक एक पैसा, मेरे पास जो भी पैसा है, जो भी टाइम है, उसको मैं एजुकेशन में ही लगाना चाहता हूं, सिंपल। कपूरथला में, तन्नु मलिक जी, कपूरथला में बहुत कम सीट्स हैं, 12-13 सीट्स ही हैं 9th क्लास के लिए, ठीक है जी। चलिए, अब बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो अंबाला में नहीं आ पाएंगे, हॉस्टल में नहीं आ पाएंगे, तो उनके लिए शाम के लिए हमने इवनिंग क्लासेस स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, कुछ नहीं करना है। और इवनिंग क्लासेस स्टार्ट कर दिया है तो शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे तक आप डेली लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। 40 मिनट मैथ्स का लेक्चर, 40 मिनट इंग्लिश, 40 मिनट रीजनिंग और 40 मिनट जीके, है ना, आपको इवनिंग क्लासेस मिल रही हैं। और कल को अगर आपका बच्चा सेलेक्ट हो जाता है तो मैं आपको आरएमएस के इंटरव्यू की तैयारी फ्री में कराऊंगा। अगर आपका बच्चा आरएएमसी में सेलेक्ट हो जाता है तो चाहे 15 दिन का समय मिलता है, 20 दिन का समय मिलता है, मैं आपको इंटरव्यू की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा, चाहे वो सैनिक स्कूल, चाहे वो मिलिट्री स्कूल है, चाहे वो आरआईएमसी देहरादून है, ठीक है। तो आप आ सकते हैं, कोई भी स्कूल हो, बस आपको टारगेट क्या करना है कि अगर आप ऑनलाइन भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको किसी भी तरीके से रिटन एग्जाम को क्लियर करना है। और हर रोज अगर आप कंसिस्टेंटली इवनिंग क्लासेस लगाते हैं, उसमें अच्छी बात क्या है कि हम आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स भी दे देते हैं कि आप शाम को क्लास लगाओ, प्लस रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर, हम लॉगिन आईडी पासवर्ड दे देंगे, ठीक है। नकुल कुमार जी, एपीएस दक्षाई में सभी क्लासेस में एडमिशन होता है तो कोई दिक्कत नहीं आती है, है ना। कुछ स्कूल ऐसे हैं जिसमें सभी क्लासेस में एडमिशन होता है, जैसे एपीएस दक्षाई हो गया, ओक ग्रोव स्कूल हो गया, कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला हो गया,
भोसला मिलिट्री स्कूल हो गया, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई हो गया, इनमें है ना सभी क्लासेस में एडमिशन होता है, गुरुकुल कुरुक्षेत्र हो गया, सभी क्लासेस में एडमिशन होता है, तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। सैनिक स्कूल की डेट बढ़ गई है जी, जल्दी जल्दी कॉल करके अपना फॉर्म भरवा लो, 5 नवंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। ठीक है जी, विजय सिंह जी का मैसेज आ चुका है, सैनिक स्कूल लखनऊ में 9th क्लास के लिए 15 से 20 सीटें होती हैं। ठीक है, लड़के लड़कियां दोनों अप्लाई कर सकते हैं, 15 से 20 सीटें हैं। फायदा क्या है, डायरेक्ट आपको एनडीए में, एनडीए की तैयारी करवाई जाएगी, लगातार 5 साल डायरेक्ट एनडीए का पेपर देने का मौका मिलता है, तैयारी करवाई जाती है, डायरेक्ट ऑफिसर बनने का चांस होता है। चलिए 9th नंबर पे आता है हमारा, बिहार में है सैनिक स्कूल नालंदा, जहाँ पे 6th क्लास के लिए 85 सीट्स हैं। और 9th क्लास की बात करें तो 9th क्लास की बात करें तो हमारे पास आता है सैनिक स्कूल तिलैया, जो कि आपका झारखंड में है, और यहाँ पे 9th क्लास के बच्चों के लिए सिर्फ 19 सीट्स हैं, है ना। शहनाज बानो जी का मैसेज है, मेरे पास 20 बच्चे हैं सर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम, अच्छा लगा, और आप तैयारी करवाइए, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, हम देखते हैं हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, आपके पास 20 बच्चे हैं, है ना, कॉल तो करना पड़ेगा, बातचीत तो करनी पड़ेगी, तभी समस्या का समाधान निकलेगा, है ना। और हम लोग भी चाहते हैं, देखिए हमने जो अपना बोर्डिंग स्कूल बनाया है ना, हमारा यही टारगेट है यार कि एक आम आदमी, जो छोटे छोटे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, मिडिल क्लास फैमिली के हैं, आर्मी में जो सोल्जर हैं, जो रेलवे में हैं, फौज में हैं, पुलिस में हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली से लोग बिलोंग करते हैं, किसान हो गए, बैंक में नौकरी करने वाले हो गए, उनके लिए हमने हॉस्टल बनाया है। ठीक है, तो हमारी फीस यही है कि कम फीस में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ने का मौका मिले, तैयारी करने का मौका मिले। सही है। दिनेश द्विवेदी जी का मैसेज है, सर आपका ऑनलाइन क्लासेस हेतु तैयारी के हेतु क्लासेस के लिए क्या करना पड़ेगा, झांसी में कितनी सीट्स है। झांसी में 6th क्लास के लिए 90 सीट्स है, और बताइए, है ना, तो यूपी में सीटें तो भर भर गए हैं। अब 3 नए सैनिक स्कूल आ गए हैं, तो चाहे मैनपुरी है, झांसी है, अमेठी है, तीनों में सीट्स तो बहुत अच्छी खासी है, ये आप लोगों को फायदा हो गया है। ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं करना है, कोई भी दिक्कत आ रही है कॉल करना है ना, वीडियो के नीचे नंबर दिया हुआ है देखो, 7419999228 पर कॉल करो, है ना, वीडियो के नीचे एक लाल बटन है उसको सब्सक्राइब कर दो, ताकि हम लोग मिल करके यार एक दूसरे की मदद कर पाएं, देश को आगे लेके चलें, है ना। मैं बच्चों को अपने स्कूल में भी यही समझाता हूँ कि अगर तुम्हें ज़्यादा देश दूस वाली बातें नहीं समझ में आती है ना, कोई दिक्कत नहीं है, अपने मन में एक बात ठान लो कि मैंने अपने पेरेंट्स के लिए करना है, अपनी माँ के लिए करना है, अपने फादर के लिए करना है ना, अपनी अपने फादर और मदर को दुनिया भर की खुशियां देनी है, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर के आनी है, बड़े बड़े घर लेकर के आने हैं, है ना, तो अपने पेरेंट्स के लिए भी अगर आप सोचोगे और मन लगा के पढ़ाई करोगे तो भी बहुत अच्छी बात है। तो मैं लगातार सेमिनार्स वगैरह लेता रहता हूँ। 9th नंबर पे आता है हमारे पास 6th क्लास के लिए, केरला में है सैनिक स्कूल कोझाकोटम, और यहाँ पे हमारे पास 85 सीट्स हैं, है ना। पार्थ जी का मैसेज आ चुका है, 2.5 नंबर का चश्मा लगा है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है, छोड़ दो, रिटन एग्जाम क्लियर करो, बाकी छोटी मोटी प्रॉब्लम सारी ठीक हो जाएगी, है ना। मेन प्रॉब्लम चश्मा नहीं है, मेन प्रॉब्लम पढ़ाई है, रिटन एग्जाम है, मेन प्रॉब्लम किसी की हाइट नहीं है, मेन प्रॉब्लम किसी का वेट नहीं है, मेन प्रॉब्लम है रिटन एग्जाम की तैयारी। ठीक है, ये सब फालतू बातें हैं, ये चश्मा लगा हुआ है, कम दिखाई देता है, ज़्यादा दिखाई देता है, पास का दिखाई देता है, दूर का दिखाई देता है, छोड़ दो, बच्चे की हाइट कम है, बच्चे का वेट ज्यादा है, सब छोड़ दो, ये सब आपके मतलब की चीजें नहीं है। एक बच्चे का मैसेज आया हुआ है, सर अंबाला कैरियर डिफेंस स्कूल भी एनडीए की तैयारी करवाते हैं। बिल्कुल जी, हम लोग एनडीए की तैयारी करवाते हैं, और हमारा भी यही टारगेट है कि हमारा बच्चा या तो एनडीए में निकल जाए, मर्चेंट नेवी में निकल जाए, इंडियन आर्मी का फॉर्म निकलता है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, है ना। तो यार अगर कोई बच्चा मेरा तैयारी कर रहा है तो एनडीए में नहीं निकलेगा, उसके पास 12th क्लास के बाद एनडीए में नहीं निकलेगा, टेक्निकल एंट्री स्कीम का पेपर होता है, मर्चेंट नेवी का पेपर होता है, इंडियन आर्मी टेक्निकल का होता है, इंडियन नेवी टेक्निकल का होता है, इंडियन एयरफोर्स टेक्निकल का होता है, अरे भाई 5-6 पेपर का पेपर देगा, क्यों नहीं निकलेगा, पहले मुझे आप ये बताओ। विजय सिंह जी, लड़कियों का एडमिशन अब स्टार्ट हो गया है ना, लड़कियों का
सैनिक स्कूल में भी हो गया है, मिलिट्री स्कूल में भी हो गया है, ठीक है जी, लड़कियों का RIMC देहरादून में भी हो गया है। आगे चलते हैं, सिक्स्थ लास्ट हमारे पास आता है, सिक्स्थ क्लास के लिए है महाराष्ट्र में सैनिक स्कूल चंद्रपुर, जहाँ पे 90 सीट्स हैं। और अगर हम लोग बात करें सिक्स्थ क्लास के लिए उड़ीसा में सैनिक स्कूल भुवनेश्वर है, यहाँ पे भी 90 सीट्स हैं, ठीक है जी। झारखंड में वहाँ पे भी 90 सीट्स हैं, सैनिक स्कूल कोरुकोंडा में भी 96 हैं। गुजरात में सैनिक स्कूल बालाचडी है, नाइन्थ क्लास के लिए वहाँ पे 20 सीट्स हैं। तो ये हमारी लिस्ट हो गई है कंप्लीट, ठीक है जी। आगे चलते हैं, शुभम सिंह जी का मैसेज है, सर मेरा नेफ्यू इस बार हो गया है सैनिक स्कूल 2021 में। अरे वाह सर, क्या बात है, बहुत बहुत मुबारक हो, परमात्मा करे बच्चे आगे बढ़े यार, देश आगे बढ़ेगा, सैनिक स्कूल में हो जाए, मिलिट्री स्कूल में हो जाए, गुरुकुल में हो जाए, कहीं भी हो जाए, सारे मस्त हैं। नकुल कुमार जी का मैसेज है, APS दक्षाई का फॉर्म कब आता है? APS दक्षाई का फॉर्म हर साल नवंबर में निकलता है ना। तो दिवाली के बाद देखो, आर्मी पब्लिक स्कूल हो गया, राय स्पोर्ट्स स्कूल हो गया, ओ ग्रोव स्कूल हो गया, ये सारे फॉर्म निकलेंगे, ठीक है। RMS का फॉर्म हो गया, एक बच्चे का मैसेज आया, UP सैनिक स्कूल लखनऊ के फॉर्म की फीस कितनी है? फॉर्म की फीस 1000 रुपये है, ठीक है, बाकी हम आपका फॉर्म फ्री में भरते हैं। कोई भी पेरेंट्स हैं जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, नया नया इस लाइन में आए हैं, नई नई तैयारी करवाना चाहते हैं, फॉर्म हम आपका फ्री में भर देंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। जो सरकारी फीस है सिर्फ वही लगेगी, जो भी 1000 रुपये हैं, बाकी जो फॉर्म भरने का हम आपसे कोई पैसा नहीं लेते। मुश्ताक अली जी का मैसेज है, सर मुझे आपकी एकेडमी अंबाला में एडमिशन कराना है, 5th क्लास में पढ़ रहा है, कब आना पड़ेगा? देखिए सर, जितना जल्दी आएंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गए हैं, है ना। जितना जल्दी आएंगे उतना अच्छा रहेगा, और जितना लंबा तैयारी करवाएंगे उतना अच्छा रहेगा, सही है, क्योंकि जितना लंबा तैयारी करवाएंगे बच्चे के पास ऑप्शंस ज़्यादा रहेंगे, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल, RIMC, है ना, नंबर ऑफ ऑप्शंस रहेंगे। आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो जरा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाफट। शुभम सिंह जी का मैसेज है, रिटर्न पे पूरी कोशिश करो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, पहले रिटर्न ही होता है। अब जैसे हमारे स्कूल में भी जो बच्चे आते हैं ना, हमारा मेन फोकस क्या होता है, रिटर्न पे ही होता है। अब जैसे नवंबर और दिसंबर है, जो पुराने बच्चे हैं जो 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, नवंबर और दिसंबर में आपको मैं बता दूं कि हम लोग इनको ना लगातार 2 महीने ताबड़तोड़ सैंपल पेपर करवाते हैं। मतलब आप मान के चलो ऑन एन एवरेज हर रोज बच्चे का टेस्ट होता है, जो हमारे पुराने बच्चे हैं, हर रोज सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, गुरुकुल, UP सैनिक स्कूल, हर रोज पेपर होता है, सोच के देखो आप, हर रोज, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, सुबह पढ़ाते हैं, शाम को 3 घंटे का टेस्ट, जो पुराने बच्चे हैं जो 1 साल 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। बाकी जो नए बच्चे आते हैं, क्रैश कोर्स में आते हैं, तो उनको क्या होता है, आपको दिन में पढ़ाते हैं, शाम को टेस्ट होता है, दिन में पढ़ाते हैं, शाम को सैंपल पेपर कराते हैं, दिन में पढ़ाते हैं, शाम को सैंपल पेपर कराते हैं। जो नया बच्चा है उसका टेस्ट लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, है ना, उसका तो टाइम खराब हो जाएगा। तो जो 2 महीने 2.5 महीने के लिए बच्चे आते हैं, उनको हम क्या करते हैं, दिन में पढ़ाते हैं, शाम को सैंपल पेपर कराते हैं, दिन में पढ़ाते हैं, शाम को सैंपल पेपर, दिन में पढ़ाते हैं, शाम को सैंपल पेपर, और उनका संडे टेस्ट होता है, संडे, ठीक है। आगे चलते हैं, मुक्तिनाथ जी का मैसेज, गुड इवनिंग सर, यूपी में 4 सैनिक स्कूल है, क्या चारों का? नहीं, एक ही का फॉर्म फिल करना है, जो आपके घर के पास में, चाहे वो मैनपुरी है, चाहे वो अमेठी है, चाहे वो झांसी है ना, किसी एक का फॉर्म भरना है। बाकी अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं, और अगर आपका बच्चा 5th क्लास में है, तो 6th के लिए फॉर्म भरो। अगर सिक्स्थ में है तो आप यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का फॉर्म भर सकते हो 7th क्लास के लिए। बिल्कुल शुभम जी, जो मैथ्स है, बहुत मैथ्स है ना, प्रैक्टिस मांगता है ना, तो हम लोग लगातार बार बार प्रैक्टिस काफ़ी कराते हैं बच्चों को, है ना। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप लोग PTM में आते हो, तो आप बच्चों की कॉपी चेक करो, ताकि आपको आइडिया लगे बच्चा कितना प्रैक्टिस कर रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है। देखो, बाकी जो बच्चा पूरे साल की तैयारी करता है ना, उसको हर चीज़ का ध्यान देना पड़ता है, उसको हमें पढ़ाना भी है, उसको थोड़ा स्पोर्ट्स भी कराना पड़ता है, उसको थोड़ा फंक्शन वगैरह भी कराने पड़ते हैं, कभी एनुअल फंक्शन होता है, कभी स्पोर्ट्स डे होता है ना, ये भी चीज़ें जरूरी हैं, क्योंकि वो पूरे साल के लिए तैयारी कर रहा है, उसके पास टाइम ज़्यादा है, तो उसको हॉस्टल में थोड़ा एंटरटेनमेंट भी चाहिए,
है ना, और दूसरा उसको अलग अलग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। शोभा रानी जी, हमने आपको बताया है कि जो भी बच्चे हॉस्टल में आते हैं 15 दिन में कॉलिंग करवाई जाती है, हर महीने की 1 तारीख को और हर महीने की 15 तारीख को कॉलिंग करवाई जाती है ना। शोभा रानी जी, मैं आपको बता दूं कि अभी हमारा बच्चा जसजोत सिंह RIMC देहरादून में सेलेक्ट हुआ है और पूरे 2 महीने तक ना तो बच्चे के पेरेंट्स से मिलना अलाउड है, ना बच्चे से मिलना अलाउड है, ना हॉस्टल में आना अलाउड है, ना हॉस्ट जो ना बच्चों को कॉल करना अलाउड है। सोचो आप, है ना। तो मैं तो आपकी तैयारी करवा रहा हूँ ताकि कल को जब आपका बच्चा हॉस्टल में जाए तो आपको दिक्कत ना आए, है ना। देखो, कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना ही पड़ेगा। अगर आप सेक्रीफाइस नहीं कर सकते ना, तो जिंदगी में आपके पास जो है आपको वही मिलेगा, उससे ज्यादा आपको कभी नहीं मिलेगा। और उससे ज्यादा कि आप उम्मीद भी मत करो फिर, है ना, मत करो उम्मीद, छोड़ दो सारे ये सपने, है ना। लेकिन अगर आपको बड़ा आदमी बनना है, अगर आपको ऑफिसर बनना है, देश की सेवा करनी है, या आपका कोई भी ड्रीम हो, आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, अच्छा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सिंपल, नो पेन नो गेन, ठीक है जी, नो पेन नो गेन, सिंपल। चलिए, तो विजय सिंह जी का मैसेज आ चुका है, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ बिल्कुल, GK की बुक्स वगैरह हैं, अरिहंत की बुक्स बहुत अच्छी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो हम लोग 15 बुक्स का सेट देते हैं उसको आप चेक करो, उसके अंदर हम लोग GK के लिए फिजिक्स का अलग है, केमिस्ट्री का अलग है, बायो का अलग है, इसके अलावा आपका हिस्ट्री अलग है, सिविक्स अलग है, ज्योग्राफी अलग है, है ना। तो विजय सिंह जी, हमने जो बुक्स बनाई हैं वो छोटे बच्चों के हिसाब से बनाई हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से, है ना। चलिए आगे चलते हैं। मेरे बच्चे के लिए रूपाली जी का मैसेज आ चुका है, सर मेरे बच्चे के लिए लाइव क्लासेस करना है, कुछ मत करो, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, दिया हुआ है ना, दिया हुआ है। बाकी देखो, जो बच्चा हॉस्टल में आएगा ऑन एन एवरेज कम से कम 10 से 11 घंटे पढ़ेगा, 3 घंटे शाम को खेलेगा, 11 घंटे पढ़ेगा, 3 घंटे खेलेगा शाम को, कम से कम 10 से 12 घंटे वो पढ़ता है। सिंपल, सुबह 8 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक और रात को 8 बजे से लेके 10 बजे तक। रोहित कुमार जी का मैसेज है, हाँ जी सर, मैं भी अपने लड़के को 2022 वाले में फॉर्म भरवाया हूँ, उसका सब्जेक्ट मैं हिंदी में डाला हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? प्रॉब्लम क्यों होना है, हिंदी में दो, इंग्लिश में दो, उर्दू में दो, गुजराती में दो, ये तो आपका चॉइस है। आकाश का बर्थडे है 6 अप्रैल 2011 को, तो आकाश डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली देखते हैं जरा कितनी बार फॉर्म भर सकता है ना। 6th क्लास के लिए लगातार 2 साल, ठीक है जी, 6th क्लास के लिए आकाश लगातार 2 साल अप्लाई कर सकता है, 2022 में और 2023 में, लगातार 2 साल। चलिए, कमलेश जी का मैसेज, सर गुरुकुल का फॉर्म कब निकलेगा? गुरुकुल का फॉर्म निकलता है 1 दिसंबर को, हर साल 1 दिसंबर को निकलेगा, 15 मार्च 2022 फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। शुभम सिंह जी का मैसेज है, मीडियम कोई मैटर तो नहीं है? कोई मैटर नहीं है, आप इंग्लिश में पेपर दो, हिंदी में दो, उर्दू में दो, गुजराती में दो, बंगाली में दो, आपके पास करीब करीब 13 लैंग्वेजेस होती हैं, है ना, तमिल में दो, मलयालम में दो, ठीक है जी। अरे वाह सर, अ लव फ्रॉम वेस्ट बंगाल, बहुत बहुत शुक्रिया जी, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, बहुत बहुत शुक्रिया जी, केम छो मजामा बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी थोड़ी बंगाली बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ गलत बोल दूँ तो भाई बुरा मत मान जाना ठीक है। चलिए, प्रशांता कुमार दे जी का मैसेज, आपके स्कूल में पिछले साल बुक्स लेके गया था, वही इस साल चल जाएगा? चल जाएगा जी, बिल्कुल चल जाएगा, है ना, बिल्कुल चल जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट है, चल जाएगा। बाकी अगर आप अपडेट करवा लो तो अच्छी बात है, है ना, अगर आप अपडेट करवा लो, और सिर्फ बुक्स के भरोसे मत बैठो। मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि आपने पिछले साल भी तैयारी की है, अगर आप सिर्फ बुक्स के भरोसे बैठे हो, अगर आपको देखो NDA में आपको फिजिकली हॉस्टल में जाके रहना है तो आपको भी फिजिकली ट्रेनिंग करनी पड़ेगी,
आपको सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल में हॉस्टल में जाकर के फिजिकली रहना पड़ेगा, फिजिकल ट्रेनिंग होगी, तो आपको भी अंबाला में आकर के फिजिकली तैयारी करवानी पड़ेगी, तभी फायदा होगा। सन्नी यादव जी, वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है, फ्री सैंपल पेपर का भी लिंक दिया हुआ है, बुक्स का भी दिया हुआ है ना, सारे दिए हुए हैं, थोड़ा सा आपको भी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। चलिए स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, चलो जी, तो यहां से आपको हम मिलवा देते हैं सैंपल पेपर के लिए, कैसे आपको अप्लाई करना है, ठीक है जी। काफी सारे हमारे भाई बंधु हैं, जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पे जाओगे आपको मिल जाएगा फ्री सैंपल पेपर के लिए कैसे अप्लाई करना है। बहुत ही सिंपल रास्ता है, बहुत ही सिंपल तरीका है, ठीक है। और बाकी आप अवर सर्विसेज के अंदर यहाँ पे जो भी बच्चे अभी आरएमएस के इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए हैं, अगर आप आना चाहते हो अंबाला में फ्री ऑफ कॉस्ट, हम आपको 10 से 12 दिन तक बिल्कुल फ्री तैयारी करवाएंगे, क्योंकि पूरे ऑल ओवर इंडिया में ऐसे हर साल ऐसे हजारों बच्चे हैं जो आरएमएस में सिलेक्ट होते हैं लेकिन फाइनल राउंड में उनका नाम नहीं आता, ठीक है जी। मदन चंद्रा जी का मैसेज है, मदन चंद्रा मंडल जी का मैसेज है, अंबाला में नहीं आ सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जाओ, घर पे बैठ के तैयारी मत करो, या मम्मी पापा के चक्कर में मत पड़ो, भैया दीदी के चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो आप बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। ये मौका बहुत मुश्किल से मिलता है, अंबाला नहीं आ सकते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको तैयारी करवाना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो जी, जो लोग बुक्स लेना चाहते हैं, बाय बुक्स ऑनलाइन, यहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी बुक्स के बारे में, ठीक है। तो बहुत सारे लोग अभी बुक्स के बारे में पूछ रहे थे, तो ये देखिए यहाँ पे जाकर के आप डायरेक्टली बुक्स ले सकते हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल का है, मिलिट्री स्कूल का है, क्लास सिक्स के लिए, क्लास नाइन्थ के लिए, है ना। इसके अंदर आपको 40 सॉल्ट सैंपल पेपर मिलेंगे, 40 सॉल्ट सैंपल पेपर, ये देखो बुक्स के अंदर डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है, कौन कौन सी किताब आपको मिलेगी, 15 बुक्स का कौन कौन सा सेट मिलेगा, ठीक है। और ये किताबें आपको 4 से 5 दिन के अंदर आप डायरेक्ट ऑनलाइन जाके ऑर्डर कर सकते हो, डायरेक्ट हमारी वेबसाइट पे डायरेक्ट ऑनलाइन जाकर के भी आप ऑर्डर कर सकते हो। ये देखो जो भी कोर्स आपको लेना है, सैनिक स्कूल का भी लेना है, सीबीएसई का लेना है, या सिर्फ सैनिक स्कूल का लेना है, या सिर्फ बुक्स लेनी है, जो भी आप लेना चाहते हो आप यहाँ से डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हो। अगर आप रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर लेना चाहते हो, सही है, तो वो आपको मिल जाएगा 9,999 रुपये में। ऐप इंस्टॉल कर लो, क्योंकि ऐप के अंदर हम डेली फ्री सैंपल पेपर आपको दे रहे हैं डेली। चलो जी, ऋषभ जी का मैसेज, सर मैंने सैनिक स्कूल का सैंपल पेपर अंबाला से मंगाया है। ऋषभ आप है ना, उसका फोटो खींच करके हमें मेल कर दो, फोटो खींच करके आप मेल कर दो careerdefensschool@gmail.com पर। कैरियर डिफेंस स्कूल कहाँ है? अंबाला कैंट हरियाणा में है ना, अंबाला कैंट हरियाणा में। रोमा जी का मैसेज, सर यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ और ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का सिलेबस एक जैसा होगा कि अलग अलग होगा? देखिए अलग अलग होगा, क्योंकि जो सिक्स क्लास है वो अलग है और जो सेवन्थ क्लास के लिए पेपर हो रहा है वो अलग है, तो 80% आप सेम कह सकते हो, लेकिन 100% सेम नहीं है, ठीक है ना, 100% सेम नहीं है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। हेमा जी, आपका बच्चा अभी पेपर देगा फोर्थ क्लास के लिए, राय स्पोर्ट्स स्कूल का, ओक ग्रोव स्कूल का। प्रशांता जी, बिल्कुल मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, सैंपल पेपर मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, बुक्स मिल जाएंगी, है ना। रोहित कुमार जी का मैसेज, सर हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि लड़के का फॉर्म सेलेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, कोई जानकारी दीजिए, हमारा मैसेज पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रोहित कुमार जी, देखिए इस तरह की कोई भी जानकारी नहीं दी जाती है ना, तो आपको आपको सिर्फ वेट करना पड़ेगा, जब एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करेंगे, है ना, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लग जाएगा, 1 दिसंबर के बाद आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, सिंपल है।
आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करो, चेक करो, वहां पे आपको जानकारी मिल जाएगी। रीना कुमारी जी का मैसेज है, आरआईएमसी की तैयारी कर रहा हूँ। बिल्कुल जी, बहुत बहुत मुबारक हो। चलिए तो आज का जो लाइव सेशन है इसको मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। कल फिर मिलूंगा रात को 9 बजे एक नए टॉपिक के साथ, जहाँ पे कोशिश करूँगा ऐसा टॉपिक हो, इंटरेस्टिंग टॉपिक हो, ताकि आपको मज़ा आएगा, है ना। और यहाँ से देखिए आप फ्री सैम्पल पेपर, अप्लाई फॉर फ्री सैम्पल पेपर पर जाइए, यहाँ पर अपना डिटेल डालिए जो आप जानकारी लेना चाहते हैं, डाल करके यहाँ पे सबमिट कर दो। और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका जो फ्री सैंपल पेपर है वो आपको 4-5 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा। सही है। चलिए तो कल फिर मिलेंगे रात को 9 बजे सेम टाइम सेम प्लेटफॉर्म के ऊपर। शुक्रिया।